सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा था, हमने एक होम थिएटर बनाया हुआ था ये, जो कि हमने इसमें बेस ट्यूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल करी थी। बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये हो गया था हमारा ये, तो इसकी वीडियो हमने डिटेल में बताया था। फिर भी हम आज की इस वीडियो में हिंदी में आपको दिखाने वाले हैं कि हिंदी में बता करके ये व्लॉग की तरह शूट हो रहा है एकदम, कि हम डिटेल में इसमें आपको बताएंगे कि इसमें कौन सी वायरिंग कैसे लगी है और कौन सी चीज़ लगी है, कैसे कैसी इसमें हमने फिटिंग करी है। तो आज की वीडियो पूरी लास्ट से देखते रहेगा। ये होम थिएटर हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि आप इसको घर पर कैसे बनाएं। तो एक बार आप ओवरऑल इसका पूरा लुक देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हुई हैं। इसमें ये आप देखिए, दो स्पीकर इधर, दो स्पीकर इधर, ये 6 इंच के स्पीकर हैं, दो सोनी के हैं और दो मिल्टन के हैं लगे हुए हैं, और ये दो हमारे ट्विटर लगे हुए हैं, और ये हमारा डेलकेट कंपनी का स्टीरियो लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा कावर, काफ़ी पावरफुल हमारा स्टीरियो है। इसमें स्मार्टफोन होल्ड भी हो जाता है, यहाँ पे होल्डर लगा हुआ है, इस जगह पे आप अपना स्मार्टफोन होल्ड करके कोई वीडियो वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। और ये हमने ऐसे 100 पीस में अपने एसेसरीज के टाइप में लगाया हुआ था, बाकी ये हमारा यूट्यूब का। और ये देखिए, इसमें हमने दो वेंट लगाए हुए थे जाली, जिसके इसमें क्या है कि जो चूहे वगैरह इसमें अंदर ना चले जाएं, जाके तार वार काट देंगे। और दूसरी चीज़, इसमें एयर जो पास होती है, जो मैं सब ऊपर लगे हैं तो उसको एयर पास होने के लिए कुछ स्पेस या फिर जगह चाहिए रहती है, तो इस वजह से हमने इसमें यहाँ पर ये इसमें वेंट टाइप की जाली इसमें लगा दी थी। तो ये देखिए आप, तो ये पूरा कार्डबोर्ड से बना था, आपने देखा था। पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप चेक करिएगा। तो ये देखिए, ये हमारे YouTube का विनायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये सोनी का 1800 वाट का 12 इंच का ये सबवूफर है, जो कि इसमें हमने इंस्टॉल किया था इस साइड पे। और बाकी हम ये वाली साइड पे देखते हैं, तो इस साइड पे ये पूरा बेस ट्यूब लगा हुआ है, ये 10 इंच का बेस ट्यूब है, 900 वाट का, वोल्केनो कंपनी का। ये पूरा बेस ट्यूब है, इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। मैं अभी वीडियो में आगे आपको दिखाने वाला हूँ इसमें किस तरह से मैंने इसमें लगाया हुआ है। और इधर हम पीछे बैक साइड से आप लोग देख लीजिए, तो ये जो आप स्क्रूज देख रहे हैं, तो इस स्क्रूज में हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है, जो कि हमारे बेस ट्यूब को चलाता है और हमारे बेस वाले स्पीकर को चलाता है। और गाइस, इसके नीचे कुछ बटन लगी हुई है, डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। तो एक हमारी ये बेस की बटन है, अगर इसको बंद कर देंगे तो दोनों जो उसमें स्पीकर लगे हुए बेस ट्यूब वाले, एक बेस ट्यूब और बेस स्पीकर बंद हो जाएगा, केवल और केवल आगे के स्पीकर और ट्यूटर बजेंगे, साइड वाले दोनों बंद हो जाएंगे। तो इसको चालू करने से हमारा बेस ट्यूब, इससे चालू करने से हमारा एम्पलीफायर चालू हो जाता है, उसके हमारे मदद से बेस ट्यूब भी हमारे चलने लगते हैं। और ये हमारा एसी और डीसी, तो ये सबसे नीचे रहेगा तो हमारे एसी पे चलेगा, अगर आप इसमें पावर सप्लाई लगाते हैं, और अगर आप इसको बीच पे रखेंगे तो किसी पे नहीं चलेगा, ऊपर रखेंगे तो डीसी। तो डीसी अगर चलाने के लिए आपको ये देखिए, ये दो स्क्रूज टाइप दिया है, इसमें तार लगा के स्क्रू टाइट कर दीजिए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव 12 वोल्ट से ये चलेगा। और इस साइड हमारा मेन ऑफ ऑन का ये हमारा बटन इसमें दिया है हमने, और एक फ्यूज़ लगाया हुआ है, इसके अंदर फ्यूज़ लगा हुआ है ताकि अगर इसके अंदर कोई वायरिंग वगैरह शॉर्ट आउट वगैरह या कुछ गलती हो जाए तो उस वजह से ये शॉर्ट हो जाए फ्यूज़ हमारा, बाकी पूरी वायरिंग और हमारे सब सिस्टम पूरा सेफ रहे। और ये हमारा FM एंटीना का सॉकेट हमने इसमें लगाया हुआ है, ताकि अगर FM सुनना चाहें तो इसमें अलग से एक एंटीना लगा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर का SMPS है ये, और इसमें हम पावर सप्लाई दे सकते हैं AC 240 वोल्ट। तो ये पूरा हमारा SMPS है, ये करीब 20 वाट का हमारा, 20 एम्पियर का SMPS है ये। तो अब हम इसका ये ऊपर साइड अभी देख लीजिए, इसमें भी एसेसरीज लगाई हुई है हमने। तो अब इसको हम हटाते हैं, फिर अंदर देखते हैं इसमें क्या चीज़ हमें किस तरह से इसकी वायरिंग। तो गाइस, ये आप इसका पूरा लुक देखिए, ये हमारा एम्पलीफायर लगा हुआ है, ये हमारा SMPS लगा, ये हमारे स्पीकर लगे हुए, आप देखिए किस तरह से हमने इसमें पूरी वायरिंग की। और ये देखिए, पूरा बेस ट्यूब लगा हुआ हमारा, ये देखिए ये हमारा बेस ट्यूब है, ये केवल स्पीकर लगाया, और इधर बेस ट्यूब। इस साइड हमने क्या किया, डबल इसमें चद्दर लगाई, डबल कार्डबोर्ड लगाया ताकि ये काफ़ी मजबूत रहे। बाकी इस साइड देखिए अब सिंगल है, इधर डबल है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी वेट स्पीकर है और बजेगा तो ये फड़फड़ ना हो, तो इस वजह से हमने इसमें डबल लगा दिया है इस साइड पर। तो हम सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं अपने स्पीकर की, ठीक है। तो भाई इस साइड देखिए, ये हमारे स्पीकर जो हैं आगे वाले ऊपर साइड के जितने स्पीकर हैं, एक ये और एक ये, और ये जो ट्विटर लगे हुए हैं इनको हमने एक साइड के इसमें स्पीकर में लगा दिया है, और जो हमारे नीचे वाले हैं वो हमने इसमें दूसरे पे लगा दिया। तो इसमें आप देखिए, इसमें दो सॉकेट होते हैं, एक पावर सप्लाई का और एक जो सॉकेट है ये हमारे स्पीकर्स का होता है। तो इसमें 4 स्पीकर्स का ऑप्शन है, तो हमने 2 स्पीकर्स इसमें दो में लगा दिए, बाकी जो 2 बचते हैं उसमें हमने ट्विटर साथ में हमने इंस्टॉल कर दिए इसमें, देखिए। तो ये हमारी वायरिंग इसमें हो जाती है। और बाकी एंटीना इसमें आप देखिए, इस तरह हमने एक सॉकेट लिया था एंटीना वाला, एक तार ले जा करके, तो अब ये नीचे देख सकते हैं
ये एंटीना वाला सॉकेट लगा हुआ है, इसमें आप अलग से एंटीना लगा करके FM भी चला सकते हैं। और ये हमारी पावर सप्लाई हो गई, इसकी पावर सप्लाई हमने देखिए ले जा करके जो बेस वाला स्विच है उसमें हमने क्या किया, ये जो नीला वाला तार जाता है पावर सप्लाई के साथ में आता है, ये वाला वायर हमारा एम्पलीफायर का होता है। तो ये जो स्विच हमने लगाया हुआ है ये इस तार के थ्रू, हमने स्विच के थ्रू ये तार को ले गए। तो ये जो तार इधर से आया हुआ है, ये वाला वायर हमने, जो इसमें तीन वायर होते हैं हमारे एम्पलीफायर में, एक ग्राउंड, एक रिमोट, एक बैटरी प्लस, इसमें जो रिमोट वाला है बीच वाला, इसको हमने अपने स्टीरियो के ये ब्लू वाले वायर से कनेक्ट कर दिया है जो कि एम्पलीफायर का वायर है। बाकी जो इसमें दो वायर हैं इसको हमने देखिए ये हमने फ्यूज़ के जरिए से हो करके स्विच के जरिए से हमने SMPS से जोड़ दिया है, ठीक है। और इसका जो रेड वाला वायर है इसको भी हमने इधर देखिए पावर सप्लाई पे हमने इसमें स्विच के जरिए से जोड़ा है, ताकि अपने स्विच वायरिंग तो आप कर ही सकते हैं। ये जो हमारा SMPS मेन आप अगर लाएंगे तो उसमें जितने येलो वायर हैं उनको एक साइड ले लेना है, और जितने भी ब्लैक वायर हैं उनको एक तरफ हमें ले लेना है। बाकी वायरिंग हमें कोई मतलब नहीं है। और हमें इसमें जो आता है एक कुछ ग्रीन कलर का एक वायर आता है, अब ये देखिए जो ग्रीन कलर का वायर है इसको हमें ब्लैक से ग्राउंड करना होता है, तभी ये हमारी ओपन होता है, ये चालू होता है, पावर सप्लाई यहाँ पे आती है। तो इसके लिए हमने देखिए एक स्विच पे लगा दिया है ताकि इसको चालू करेंगे तभी हमारा SMPS चालू हो जाए। और बाकी जितने येलो वायर ये ले लेंगे, जितने ब्लैक वायर ये ले लेंगे, ये हमारा येलो वाले पॉजिटिव हो जाएंगे और जो ब्लैक वाले ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो नेगेटिव वाले जिसमें अब देखिए बैटरी से भी इसी से हमने कनेक्शन किया, अगर बैटरी अगर लगाना चाहें 12 वोल्ट DC पे तो भी अब इसी से हो जाएगा। और बाकी इसमें एक ये देखिए ये वाला वायर जो हमारा गया हुआ है जल मेन, तो ये हमने इसी के पॉजिटिव इससे नेगेटिव से ले लिया है, इसी में जो तार गए हैं इसको हमने स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। इनकी बैटरी प्लस और बैटरी माइनस, इनकी बैटरी प्लस बैटरी माइनस हमने दोनों आपस में सेम कर दिया है। बाकी एक ये हमें स्विच हमने लगा दिया है बीच वाला वायर, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में आगे बताया हुआ था। और इसमें ये हमने अगर ये हमने तीन तीन वाला स्विच लगाया हुआ है, अगर आप इससे इसका भी कनेक्शन इसी में कर दिया है जो हम बाहर बैटरी वाले लगाते हैं, अगर हमें बैटरी चलाना है तो इसको कर दीजिए, अगर AC पे चलाना है अल्टरनेट करंट पे तो इससे कर दीजिए। देखिए सारे इसी से हमने कनेक्शन कर रखे हुए हैं। तो इसके बाकी जो मेन हमारा पावर आता है उसको हमने फ्यूज़ के ज़रिए से लगाया हुआ है, ये देखिए एक फ्यूज़ लगा हुआ है ताकि अगर कोई भी शॉर्टिंग हो तो केवल फ्यूज़ उड़ जाए, बाकी हमारी लाइन पूरी सेफ रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी पूरी क्लियर हो गई। अगर फिर भी मन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्दी रिप्लाई कर दूंगा आपका। और जो हमारा ये स्पीकर है इसमें एम्पलीफायर में देखिए कनेक्शन हमने किस तरह किए हैं, इसमें दो सबवूफर लग जाते हैं स्पीकर इसमें देखिए, तो एक वाला जो हमारा है नेगेटिव पॉजिटिव वाला, तो सॉरी ये तार निकल गया है, तो ये दोनों हमने इससे कनेक्शन कर दिया इस वाले स्पीकर पे। और जो दूसरे वाले हैं दो ये हमने लगा दिए बेस ट्यूब पे, इसी से एक एम्पलीफायर से हमारी दोनों चीज़ें एक साथ ऑपरेट हो रही हैं। यहाँ से अगर हम बेस बंद करते हैं जो स्विच लगा हुआ है बेस का, तो ये दोनों हमारे स्पीकर बंद हो जाएंगे, एम्पलीफायर हमारा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वायरिंग इसमें है। और आप ये देखिए ये जो हमारे ऑडियो वाले केबिल आप देख रहे हैं इस तरह की, जो TV वाले सेटअप बॉक्स होते हैं ये वही वाली केबिल लगती है, आप किसी भी TV शॉप से ले आइएगा वही लग जाएगी इसमें। तो ये वाली वायर हम ला लिए इसमें स्पीकर वाली ला के, ये देखिए तो यहाँ पे हमने अपने जो स्टीरियो अपना है उसी में हमने दोनों इंस्टॉल कर दिए, जो ऑडियो जैक होती है उसी में हमने इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है। तो ये वाला वायरिंग भी हमारी एकदम क्लियर होगी। बस तो बस सिंपल है, अगर आपको इसी तरह से वायरिंग करनी है, बाकी कुछ ज़्यादा झाम वगैरह वायरिंग का इसमें नहीं है, देखिए आप सिंपल। तो एक बार हम इसको आपको चला के दिखा देते हैं कैसा ये परफॉर्म कर रहा है, कैसा वर्क कर रहा है। तो इसको चलाने के लिए जो हमारी कंप्यूटर की जो SMPS केबिल आती है पावर सप्लाई वाली, यही केबिल लगेगी क्योंकि हमने SMPS ही लगाया हुआ है, और ये हमारा AC करंट पावर सप्लाई, तो हम यही पावर सप्लाई लगाने वाले हैं, फिर हम आपको इसमें दिखाते हैं। तो एक जो हमारा ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर हमारा ये देखिए AC 240 वोल्ट पे ही कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा इस पर कनेक्ट कर देंगे, फिर उसके बाद हमें इस पर लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से फिर हम इसको ओपन चालू कर लेते हैं। अगर हमें AC पे चलाना है क्योंकि AC लगाया है तो इसको AC पे करना है, अगर इसमें पावर सप्लाई देंगे तो आप DC लगाएंगे, ठीक है। तो हमें AC पे लगाया तो AC चालू करते हैं। तो इस देखिए फैन हमारा चालू हो चुका है, मतलब हमारा इसमें पावर सप्लाई चालू हो चुकी है। तो इसको हम बेस भी साथ में ऑन कर देते हैं, अगर आप चाहें बेस सुनना तो बेस ऑन कर लीजिए, नहीं चाहते तो इसको ऑफ भी कर दीजिए, एंटीना लगाना तो एंटीना लगा लीजिए, बेस भी हमने ऑन कर दिए।
अब हम आगे से अपने स्टीरियो से अपनी इसकी वायरिंग पावर सप्लाई चालू कर, देखिए इसमें क्लॉक समय दिखना चालू हो चुका है स्टीरियो में। यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं, ये देखिए कंपनी की ब्रांडिंग आ रही है और ये हमारा FM चालू हो चुका है। बाकी हम इसमें सॉन्ग प्ले करके नहीं दिखा सकते, सॉरी कॉपीराइट आ जाएगा, तो आप ऐसे देख लीजिए, इसमें समझ लीजिए। थोड़ा सा हम चला के आपको दिखा देते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए FM अगर इसमें एंटीना लगाएंगे तो अच्छा बजेगा, तो देखिए आप। बेस भी बहुत ही अच्छी है, इसमें बेस आ रही है, तो यहीं से हम इसको मूड भी चेंज कर सकते हैं, पेनड्राइव वगैरह ऑक्स वगैरह लगा सकते हैं या स्मार्टफोन होल्ड भी कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा पूरा हमारा होम थिएटर, आपको आई होप ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।